नमस्कार, मैं हूं कनक झा और आप सब देख रहे हैं अखंड भारत। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। श्रीमान कैलाश सोनी जी, तो आप बचपन से ही संघ के स्वयंसेवक हैं तथा अपने बीजेपी के संगठन से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा काम इन्होंने ऐसे लोगों को एकत्रित करने के लिए किया कि जिनको 42 साल पहले कौन कहां से था, क्या था, कुछ परिचय भी नहीं था। कैलाश जी ने लोकतंत्र सेनानी संघ, जो आपातकाल बंदियों का संगठन है, उन सबको एकत्रित करकर पूरे देश में एक संगठन को खड़ा किया। आज का ये दिन बड़ा ही विशेष और महत्वपूर्ण है। जिस दिन हमने ये कार्यक्रम करने का निश्चय किया, हम सभी जानते हैं कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है। आज ही के दिन 1916 में उनका जन्म हुआ था। एक महान विचारक के रूप में हम सब जानते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक के रूप में, भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में तो काम किया ही। उसके साथ उन्होंने हम सबको एक ऐसा एकात्म मानव दर्शन दिया जो आज भी हम सबको मार्गदर्शन दे रहा है। आज के इस दिन में इस कार्यक्रम को करते हुए हम सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और इससे भी बड़ा गौरव का विषय यह है कि वो लोग हमारे मध्य में उपस्थित हैं जिन्होंने इस महामारी के समय में एक आदर्श और अनुकरणीय भूमिका हम सबके सामने प्रस्तुत की है। तो आज के इस दिन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष का कि वह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कैलाश सोनी जी को पटकार परिवार को सम्मानित करें। और माननीय कैलाश जी का स्वागत करता हूँ। मैं माननीय धर्मवीर जी का स्वागत करता हूँ दिल्ली प्रदेश लोकतंत्र सेनानी संघ की ओर से। एक बारी हम सबका आपस में, बाकी जो हम तो कुछ लोग मिलते जुलते रहते हैं, टेलीफोन के ऊपर भी बातचीत हुई है, तो एक बारी मैं कहूंगा कि सबसे परिचय हो जाए आपस में। तो मैं जी सत्यवाद विकास फाउंडेशन से मैं कार्यकर्ता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है और मैं पिछले 92 से आरएसएस के साथ जुड़ा हूँ, लेकिन कुछ समय पहले ही थोड़ा सा सक्रिय हुआ हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथ। माननीय मीडिया जी भी हमारे बीच में आ गए हैं। माननीय सत्यनारायण जी जटिया, हम सबका लगभग परिचय है ही है क्योंकि सभी कार्यक्रम हम इन्हीं के ही निवास स्थान पर करते रहे हैं। और हमारे संरक्षक हैं अपना लोकतंत्र सेनानी संघ के पूर्व मंत्री हैं। मैं बड़ा सौभाग्य है कि इनका हमें हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो मैं दिल्ली की टीम से माननीय अपने संयोजक थे जो विजय गुप्ता जी, उनको कहूँगा। माननीय मैं अपने प्रदेश महामंत्री सपरा जी से भी कहूँगा कि जगह जी का स्वागत करें, प्रदेश महामंत्री जी कैलाश जी का भी स्वागत करें। को राशन का पूरा प्रबंध करके पूरी किट 2 महीने की एक साथ घर घर पहुंचाइए। और मदरसों में 50 कट्टे मैंने चावल के पहुंचाए हैं, 25 बोरिए आटे की पहुंचाई है, जो शकूर की डंडी में है, एक मदरसा धोला कुआं में है। तो वहां से मेरे पास निमंत्रण आया कि जी यहाँ बहुत परेशान है लोग, तो मैंने फिर वहाँ गाड़ी भेजी और उनको तो वहाँ हम लोग ज्यादातर काम करते हैं। तो डीएम से वगैरह से हमने संपर्क रखा पूरा। वहाँ हमने जहाँ जहाँ खाने का दी था, खाने का अरेंजमेंट भी कराया। उसके बाद अपनी RW के माध्यम से और अपनी माइनॉरिटी डेवलपमेंट फेडरेशन के माध्यम से राशन की किट्स वगैरह बना के वो बांट।
ऐसा ले लेना ग्रुप फोटो आ जाए जय जी का आज बड़ा उत्तम सहयोग है। समाज के लिए करने वाले लोगों का अभिनंदन और जिनने समाज के लिए ही तिल तिल करके अपना जीवन दिया ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जन्म जयंती है। और इस कार्यक्रम में अवसर हम और श्रेष्ठ हो गया कि हमारी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ नेता विचारक साहित्यकार कवि छह बार उज्जैन से सात बार उज्जैन से लोकसभा के सांसद माननीय अटल जी के साथ केंद्रीय मंत्री अभी राज्यसभा से निवृत्त हुए हैं लेकिन पार्टी ने निवृत्त नहीं होने देगी। जीवन के एक एक क्षण का उपयोग अभी इन क्षणों का सदुपयोग हुआ कि हमारे बीच में उपस्थित हुए हमारे राष्ट्रीय सचिव आदरणीय धर्मवीर जी और आज के इस कार्यक्रम के मूलाधार मोहन साधक जब से परिचय आया है राजेंद्र जी से चुप रहकर के केवल करना और उनके ऐसे ही साथी हैं सतीश जी भी सारे साथी सहयोग बहुत अथक परिश्रम और बहुत अच्छा आज कार्यक्रम आयोजित किया इस विपरीत परिस्थिति में कि जब लोग अपने भाई के घर जाने में डर रहे हैं ऐसी परिस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम पहले हम लोग करने वाले थे लेकिन पंडित दीनदयाल जी की जन्म जयंती का संयोग इसलिए आज ये कार्यक्रम की रचना हुई। तो हम साधुवाद देना चाहते हैं धींगरा जी को समाज के लिए इतना करने वाले लोगों का एक साथ दर्शन करने का जो उन्होंने मौका दिया इसके लिए हम साधुवाद करते हैं धींगरा जी का उनके सारे साथी सहयोग और मतलब होने ही चाहिए जैसे इमरजेंसी पत्थर से पत्थरों का रिश्ता कोई होता नहीं है और पत्थर के दर्द पर पत्थर कोई रोता नहीं है। पत्थर से पत्थरों का रिश्ता कोई होता नहीं है पत्थर के दर्द पर पत्थर कोई रोता नहीं है। पत्थर ने कम दिखाया पत्थरों को रास्ता पत्थर ने कम दिखाया पत्थरों को रास्ता और पत्थर ने कम रखा है पत्थरों से वास्ता। तब भी पत्थर के दर्द को जानता है पत्थर पत्थर से जुड़ करके पत्थर हो जाता है पत्थर यार का सीमेंट हो तो सुन पत्थर से जुड़ करके पत्थर हो जाता है पत्थर ये आदमी ही है आदमीयत से जुड़ता नहीं है ये आदमी ही है कि इंसानियत से जुड़ता नहीं है। पत्थर से भी अधिक पथरीला हो गया है आदमी और अभी अभी यही कहीं था कहीं खो गया है अभी यही कहीं था कहीं खो गया है आदमी। उनका पावन स्मरण करते हुए मैं अभी यही विराम करता हूँ।
सर थोड़ा सा साइलेंस प्लीज। उसके लिए आवेदन करना ही चाहिए जिससे देश और समाज के लिए करने की प्रेरणा मिले, इसलिए यह कार्यक्रम बहुत कठिन था। हिंदुस्तान ने कभी ऐसा अवसर देखा नहीं, ये अवसर अभी देश ने देखा और इसमें बड़ी उम्र के लोग समाज के लिए लगभग आज हमारी सारी टीम के सदस्य सब 16-17 वर्ष के थे, अप्रोड हो गए हैं। हमारा सरकार से केवल इतना ही निवेदन है कि हम सबको सूचीबद्ध कर सम्मान दें और बाकी जिस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन को स्वतंत्रता सेनानी मानती है, हैदराबाद में जो आंदोलन हुआ हैदराबाद के निजाम के खिलाफ उनको सेनानी मानकर पेंशन देती है, गोवा में जो मुक्ति आंदोलन हुआ उनके लिए सेनानियों का सम्मान करना है, इसी तरह से आपातकाल बंदियों को भी सम्मान देना एक सरकार का विषय है और ये बात हम तब तक लगातार करते रहेंगे। दिल्ली में आप पार्टी की सरकार है, उनके हम मिलने गए भी थे, राम गोपाल गोयल जी जो है विधानसभा अध्यक्ष उनके साथ बात गए थे हम लोग ये विषय लेकर कि भाई दिल्ली की तरफ से भी सरकार का एक कार्यक्रम बना सकती है, अभी बता दी हमारी कोई भी योजना नहीं है और हम इस प्रकार का कोई बात आपकी सहायता या कोई इस प्रकार का हम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अखंड भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट।